फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ITEL S23 फ़ोन है, तो ITEL S23 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह सॉरी कैसे अपने फ़ोन में ऐप क्लोन्स वगैरह को कैसे सेट कर सकते हैं, और फ़ोन में क्लोन्स वगैरह कैसे बना सकते हैं, और कैसे क्लोन्स को क्रिएट करके ऐप्स का क्लोन क्रिएट कर पाएंगे ITEL S23 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अलार्म्स मतलब कैसे ऐप क्लोन्स बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, इसके जरिए आप ऐप्स का क्लोन्स बना सकते हैं और क्लोन्स को क्रिएट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। देख सकते हैं किस प्रकार से क्लोन्स को क्रिएट कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो स्लाइड करना है, फिर आपको स्पेशल फंक्शंस पे चले जाना है। तो स्पेशल फंक्शन से आपके फ़ोन में आ जाएगा, देख सकते हैं आप आ गया है। तो जो आपका स्पेशल फंक्शन से ऑफ हो जाएगा, फिर आपको एक्स क्लोन्स पे जाना है। तो एक्स क्लोन पे जाकर क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और सिंपली कुछ इस तरीके से ऑन करके अपने फ़ोन में क्लोन्स को क्रिएट कर पाएंगे और क्लोन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं और क्लोन भी बना सकते हैं अपने ITEL S23 फ़ोन में। तो आपको इस तरीके से इसका यूज़ भी कर सकते हैं, और क्लोन्स का यूज़ करके आप किसी भी डबल आईडी को एक साथ अपने फ़ोन में चला सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं और ऐप क्लोन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।